वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अंडे की जर्दी वाला फेस मास्क अंडे की जर्दी और कच्चा दूध, और इसमें ऐड करना है हमने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। इन तीनों अज्जा को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपने स्किन पर इसको अप्लाई कर लेना है। इसमें कच्चा दूध भी मैंने ऐड कर लिया है, अंडे की जर्दी को मैं अच्छे से फेंट लिया है। दूध और जर्दी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आपस में यकजा हो गए हैं। अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपकी स्किन को नरम मुलायम बनाएगा, स्किन की झुर्रियों को ख़त्म करेगा, स्किन पर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन की चिकनाई को भी रिमूव करेगा। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप अपन सार की दुकान पर भी मिल सकता है और किसी भी जनरल स्टोर से भी आपको ये इजीली मिल सकता है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। अंडे की जर्दी अंडा पूरा का पूरा आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। आपकी स्किन को टाइटनेस देता है, आपकी स्किन की झरियों को ख़त्म करता है, बड़ी उम्र के असरात को ख़त्म करता है, और मुल्तानी मिट्टी का जो पाउडर है वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फेशियल मास्क आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। आज ही इसको तैयार करें, आज ही इसको इस्तेमाल करें, और ऐसे ही आपने इसको तैयार करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सिंपल सी रेमेडी है, कोई भी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव नहीं बता रही, कोई भी चीज़ें आपको एक्सपेंसिव नहीं, ब्रांड की चीज़ें नहीं बता रही। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं, चैनल ऐसे हैं जो आपको ब्रांड्स से मुतारफ़ कराते हैं, ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड सीरम वगैरह इस्तेमाल कराते हैं, तो वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होते। और जो भी आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं, एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, आपको बाय करने में इस्तेमाल करने में आसानी होती है। तो आज ही इस टिप का इस्तेमाल करें। हर उम्र की ख़वातीन लड़कियाँ इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जो बच्चियाँ होती हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उनकी स्किन पर एक्ने भी होती है, आयल भी होता है, सन बर्निंग भी होती है। तो आप अपनी स्किन की सारी सन टैनिंग को ख़त्म कर सकते हैं, एक नेचुरल लुक दे सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर से फेशियल हेयर भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसको स्किन पर अप्लाई करना है 3 से 4 लेयर, और उसके बाद आपने इसको खुश्क होने देना है, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है।